हाय एवरीवन, वेलकम टू होम्स किचन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पकोड़े की ऐसी रेसिपी जो शायद ही आपने आज से पहले बनाए होंगे और खाए होंगे। ज़्यादातर हम घर पर प्याज और आलू के ही पकोड़े बनाते हैं, लेकिन आज मैं पत्ता गोभी के पकोड़े की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ एक कप बेसन से हम ये पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे और बेहद ही क्रिस्पी कुरकुरे ये पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो को देखने में आपको आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। पत्ता गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम पत्ता गोभी ली है। गोभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब गोभी के जो ऊपर वाली एक एक लेयर है पत्ते की, वो हमने हटा देनी है। बेहद ही बढ़िया टेस्टी लच्छेदार पकोड़े गोभी के बनकर तैयार होते हैं, आप भी एक बार जरूर बनाइएगा। तो मैंने गोभी के एक एक लेयर उतार दी है पत्ते की, अब हम इनको कट करेंगे। तो गोभी से सबसे पहले हमने मोटे वाला जो इसका डंठल होता है उसको निकाल देना है, क्योंकि वो काफी हार्ड होता है, वो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। अब गोभी को हमने इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में काट लेना है। गोभी को हमने बारीक नहीं करना है, हमने इसको थोड़ा मोटा मोटा सा ही रखना है, क्योंकि अगर ज्यादा बारीक हम इनको कर देंगे तो लच्छेदार पकौड़े नहीं बनेंगे। तो दोनों ही गोभी को मैंने कट कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम इनको डाल लेंगे। मिक्सिंग बाउल में डाल लेने के बाद कुछ चीजें हमने इसमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने एक प्याज को चॉप करके लिया है। प्याज को मैंने इस तरह से लंबा पतला काट कर लिया है। प्याज डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप प्याज को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च को चॉप करके लिया है और थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने इसमें ऐड करी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मसालों से भी ये पकौड़े बेहद ही टेस्टी कमाल के बनकर तैयार होते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे, ताकि सब्जियों का जो भी पानी है वो अच्छे से रिलीज हो जाए। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तब तक हम पकौड़ों के लिए चटपटी तीखी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे, जो इन पकौड़ों का स्वाद दोगुना कर देगी। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है, चॉपर में डालेंगे कुछ धनिया पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्च, 7 से 8 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, इनको भी हम डाल लेंगे चॉपर में। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा, आधा छोटा चम्मच मैंने आमचूर पाउडर इसमें डाला है, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 नींबू का रस मैंने निकाल कर लिया है। थोड़े से पुदीने की पत्तियां डालेंगे, मैंने यहाँ पर सूखी हुई पत्तियां ली हैं, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून डालेंगे पानी। अब सभी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस चटनी को आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर लाइट चली गई है इसलिए मैंने चॉपर यूज किया है। तो ये देखिए, चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चटनी बनाने में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है लाइट ना होने की वजह से। आप इस चटनी को पूरे 7 से 8 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। आप बनाकर इसको फ्रिज में रख लें और 7 से 8 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। इधर हमारी सब्जियों का भी रेस्ट हो चुका है, सब्जियों से काफी सारा मॉइस्चर रिलीज हुआ है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप भरकर बेसन इसमें डाला है। अब हम इसमें डालेंगे एक ऐसी सीक्रेट चीज जिससे हमारे पकौड़े बेहद ही क्रिस्पी कुरकुरे बनकर तैयार होंगे, और वो सीक्रेट चीज है मक्की का आटा। मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच भरकर मक्की का आटा डाला है। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप इसमें 4 से 5 चम्मच भरकर मैदा भी डाल सकते हैं। मैदा डालने से भी बेहद ही क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना पानी ऐड करने की जरूरत है। पहले हम बिना पानी डाले ही इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी इसमें डाला है। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा मिक्सचर जो है वो काफी पतला हो जाएगा, और फिर उसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बेसन हमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे बेसन का ही टेस्ट पकौड़ों में आएगा, गोभी का कोई टेस्ट आएगा ही नहीं। तो ये देखिए, मैंने मिक्सचर बनाकर रेडी कर लिया है। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हमने लेना है और ऑयल में डालते जाना है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, हाई या लो फ्लेम बिल्कुल ना करें। अगर हाई फ्लेम हम करते हैं तो पकौड़े बाहर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पकौड़े बहुत ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब कर लेंगे। जब इनको फ्राई होते हुए 1 मिनट हो जाएगा तो हम स्पून से इनको लगातार चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ताकि इवनली पकौड़े फ्राई हो जाएं। गोल्डन क्रिस्पी होने तक हमने पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, 1 बैच हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में।
और दूसरा तीसरा बैच भी सेम तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो सारे पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, मैंने इनको तीन बैच में फ्राई किया है। साथ ही हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, क्रिस्पी कुरकुरे पत्ता गोभी पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और जो हमने ये हरी चटनी बनाई है, इससे तो इनका स्वाद डबल हो जाता है। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप भी ये रेसिपी बनाना, खाना। और कैसी आपको मेरी आज की रेसिपी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।